हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज है संडे और आज जा रहे हैं देवका बीच की तरफ घूमने के लिए। मौसम तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। बूंदाबांदी आज पूरा दिन होती रही। शाम को अभी मेरे पास टाइम मिला है कि हल्का सा बूंदाबांदी जो है वो कम हुई थी, अभी रुकी बिल्कुल नहीं है, कम हुई है। तो हम चलो चलते हैं और आप लोगों को भी देवका बीच का कैसा क्या माहौल है। बीच में तो भाई खतरनाक वाली लहरें चल रही है, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो लहर की उफान है, मतलब समुद्र में जो उफान है वो काफ़ी तेज हो जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं और आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कि देवका बीच का कैसा क्या पूरा माहौल देखने के लिए मिलता है। बरसात के बाद से माहौल आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरा जो है चारों तरफ का हरा भरा माहौल जो है वो हो चुका है। अभी भाई साहब पहुँच गए हैं देवका बीच वाले रोड पर और माहौल तो आप देख ही सकते हो, हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है। ये कुछ इस तरह से जो है मच्छीवाड़ का एरिया है जहाँ पर जो है फिश वगैरह भी मिलती है। पीछे आप देख सकते हो दुकानें वगैरह लगी हुई है जहाँ पर फिश वगैरह मिलती हैं। और ये जस्ट मेरे साइड पे बीच है, इधर पे अगर आप लोग जाते हो जस्ट बिल्कुल बीच के किनारे किनारे ही बना है ये रोड जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ। और अभी हम चल रहे हैं एरोप्लेन स्टैचू के पास में, जहाँ पर एरोप्लेन का स्टैचू बना है वहाँ पर, और देवका बीच तक का पूरा माहौल दिखाएंगे और साथ में हो सकेगा अगर रुकेंगे तो नाइट लाइफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अनली बीच के पास में पहुँच चुके हैं और एरोप्लेन स्टैचू थोड़ा आगे चल के है उधर साइड पे। और अभी जस्ट पहली लहर तो किनारे आ गई है और लहर का बहाव भी काफ़ी तेज है, तो चलो चल रहे हैं। जैसा कुछ है मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल ही रहा हूँ। और अभी जस्ट जहाँ से ये रोड शुरू हो जाता है, ये वाला बीच के किनारे वाला, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और फुटपाथ के माध्यम से चलेंगे। जैसा कुछ होगा वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसा क्या माहौल है। हवा तो आप देख ही सकते हो कि भाई पीछे को धकेल रही हवा, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और बीच के किनारे तो जाना अलाउड होगा नहीं क्योंकि पुलिस वगैरह तो लगी रहती है, लोग जो है पी लेते हैं, इसके बाद फिर घटना बढ़ जाती है। तो जस्ट ये है इधर पे बीच और अभी इधर पे पूरा जो है फुटपाथ बना हुआ है, इधर पे अभी हम लोग चलेंगे, चल के दिखाएंगे कैसा का पूरा मॉल है। फुटपाथ बना हुआ है यहाँ पे, मॉल देख सकते हो तो भाई यहाँ की जो ग्रास थी वो भी निकाल दी गई है, वो है उधर पे रेडी टू रेडी वाली, मतलब वो रेडीमेड वाली ग्रास आती है ना वो लगाते हैं यहाँ पे, और इसलिए हरा भरा जो है पूरा यहाँ पे दिखता है। और ये कुछ इस तरह से शुरुआत का नज़ारा है, यहाँ से शुरुआत हो जाता है ये रोड पूरा। और ये देख सकते हो भाई घास रखी हुई है रेडीमेड वाली, मतलब ये क्या है जो आर्टिफिशियल घास होती है ना जो कि क्रिकेट स्टेडियम वगैरह में लगाई जाती है वही वाली है। वो उधर पे है एरोप्लेन स्टैचू जहाँ पे लोग जो है फोटो वगैरह खींचते। अभी एरोप्लेन जो स्टैचू बना हुआ है इसके जस्ट नज़दीक में पहुँच चुके हैं, ये जस्ट इधर पर बना हुआ है। और चलते हैं बैक कैमरे से भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसा पूरा यहाँ का मॉल दिख रहा है। तो ये आप अगर आप देखो से जो है सामने का व्यू है जो कि देवका बीच की तरफ रोड जाता है, और इधर पे जो है एरोप्लेन स्टैचू बना हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से, और इधर से अभी हम लोग आए हुए हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है इधर के एरिया। तो चलो अभी इधर से चल रहे हैं और आगे भी चल के दिखाएंगे। आगे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और काफ़ी सारे लोग जो है इस फुटपाथ पे। बीच पे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि अभी शायद कल ही कोई घटना हो गई है, कोई भी व्यक्ति था जो घूमने के लिए आया हुआ था सूरत से, वो डूब कर मर चुका है शराब वगैरह के नशे में था, तो उसकी वजह से बीच पे जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है पब्लिक का, क्योंकि भाई लहर का कोई भरोसा नहीं रहता है कब इतनी तेज लहर ना आ जाए, तो इसकी वजह से अभी रेस्ट्रिक्शन हो चुका है तो बीच के अंदर आप नहीं जा सकते हो। देख सकते हो ये कुछ इस तरह से पूरा जो है माहौल जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। भाई ये देखो ये कुछ इस तरह से जो है रोड पूरा जो है डिवाइड हो रहा है, यहाँ से जो है रोड डिवाइड होके और वो सामने एक रोड दिया है, और ये जो है सी फेस रोड है जो कि अभी जस्ट नया बना हुआ है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखा है, फिर भी जो है दिखा रहा हूँ। आगे भाई क्राउड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसा कुछ है मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रहा हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि भाई अभी अगर आप घूमने आ रहे हो, सोच रहे हो कि भाई बीच के अंदर जाने के लिए मिलेगा, तो भूल जाओ क्योंकि प्रशासन बहुत ही ज़्यादा सख्त है। क्योंकि भाई घटनाएँ हर साल एक दो घटनाएँ ऐसी हो ही जाती है कि भाई शराब पिया और गए बीच पे फिर डूब के मर गए, और शायद अभी कल ही घटना हुई है, मतलब मेरे पड़ोस में लोग जो है बात कर रहे थे इस टॉपिक पर तो मुझे भी पता चल गया। और रेस्ट्रिक्शन लगा रखा, पुलिस वाले जो है ऑलरेडी घूम रहे हैं बीच पे, आप लोगों को कोई भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा हो, पूरा जो है प्रशासन वगैरह जो है सख्त है और बीच पे आप लोग जा ही नहीं सकते हो। तो जैसा कुछ है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी जो है कुछ इस तरह से पूरा माहौल है, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चल के और भी जैसा कुछ माहौल है वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। बीच तक तो नहीं जा सकते लेकिन जितना पास से हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी बीच पे जाना अलाउ हो ही नहीं रहा है कि बंद कर दिया गया है, मतलब ऐसा है कि लोग छोटी छोटी गलती करते हैं उसकी वजह से सारे लोगों के लिए जो है वो दिक्कत हो जाती है।
पुलिस प्रशासन जो है उधर वाले उधर पे पुलिस वाले घूमने में लगे हुए हैं। लगातार हम लोग चल रहे हैं आगे देवका बीच की तरफ। आगे जस्ट देवका बीच है और वहीं तक चलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आता रहा हूँ आप लोगों को जो है थोड़ा आगे तक बीच मतलब आगे तक ही दिखा के लौट जाता था, क्योंकि वहाँ तक जाने पे जो है थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि 200 मीटर के अराउंड और आगे है वो, और समय भी काफ़ी हो जाता था। जैसे कि शाम को घूमने आए तो फिर समय ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से जो है वापस चले जाते थे। फिलहाल अभी आगे और चल रहे हैं, वहाँ से चल के जो है पूरा दिखाएंगे। क्राउड वगैरह आप लोग देख ही सकते हो। मैं थोड़ा जो है आप लोगों को नॉर्मल मोड पे जो है एक्टिवेट करता हूँ कैमरा को, फिर दिखाता हूँ। मोड पे अगर आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से जो है पूरा जो है क्राउड दिख रहा है। अभी जूम करके मैं दिखाऊँ तो ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से, और आगे काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल है और भीड़ तो आप देख ही सकते हो। भाई थोड़ा जूम करता हूँ मैं, थोड़ा हिल रहा है इसकी वजह से जो है थोड़ा जो है सिकनेस आ रही है। चलते चलते अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं, मतलब 100 मीटर से भी लगभग आ चुके हैं 100 मीटर के आसपास, और क्राउड आप देख सकते हो भाई क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। भीड़ तो भाई होती है इस बीच पे, क्योंकि जब से ये बीच जो है बर्गर कंप्लीट हो गया है, पहले भी भीड़ होती थी लेकिन पहले पीने वालों की ज़्यादा होती थी, मतलब जो फैमिली वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ पर कम आते थे, पीने वाले ज़रूर आते थे। यहाँ पर दरवाजों का अड्डा था ये समझ लीजिए। अभी वो जो है थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया है, वो लोगों ने खाने पीने वाले थोड़ा जो है आगे शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर सिर्फ जो है फैमिली या फिर वैसे घूमने वाले लोग जो है वो आते रहते हैं। बाकी माहौल देखो ये कुछ इस तरह से जो है वाइब है यहाँ की, और क्राउड आप देख ही सकते हो। क्राउड में आप लोगों को दिखाओ तो ये कुछ इस तरह से जो है पूरा क्राउड दिख रहा है। मैं चलते चलते करीब जो बीच का रोड का स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से आधा किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और ऐसे ही क्राउड है, मतलब हर जगह पे ऐसे ही लोग जो है भरे पड़े हुए हैं। और ये बीच की जो दूरी है, मतलब ये रोड की दूरी जो है बीच के किनारे किनारे, वो करीब है 4 से 5 किलोमीटर की, जो कि जस्ट ऐसे ही पूरे उसमें जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। बने रहिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह के लिए वीडियो शूट करते हुए लोग दिख रहे हैं, और ऐसा क्या पूरा माहौल है वो मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रहा हूँ। थोड़ा जो है अभी मैंने जो है इसलिए नॉइस इनहेरर मतलब नॉइस डिटेक्शन के लिए जो है वो कर रखा है। बाकी बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह बज रहे हैं, अगर हो सके तो ये क्लिपें शायद मुझे काटनी पड़ सकती हैं, क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग जो है नॉट अलाउ है, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आ जाएगा। भाई बड़ा पंगा है कॉपीराइट के, वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं है पब्लिक में, पर दिक्कत यही आती है कि कॉपीराइट साउंड जो है वो ना आ पाए, और अगर कॉपीराइट साउंड आ गया तो भाई फिर कोई कमाई नहीं होने वाली है, ये दिक्कत है। क्लेम आता है वैसे कोई इशू नहीं रहता है चैनल पे, बट जो है क्लेम आ जाएगा तो फिर कमाई नहीं हो जाएगी, जो जो ऑनर होगा उस संघ का उसके पास सारी कमाई जाती है। फाइनली अभी देवका बीच के जस्ट पास में पहुंच चुके हैं, और बूंदाबांदी हल्की सी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और लगता है फोन जो है अंदर करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट टू के लिए वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार मैं चारों तरफ का वापस से आप लोगों को माहौल दिखा देता हूँ कि किस तरह से चारों तरफ का पूरा माहौल है और कैसा क्या क्राउड है। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, फ़ोन पे IP67 रेटिंग है नहीं, जिसकी वजह से जो है फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो पीछे का क्राउड आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है, और ये इधर पे भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से पूरा क्राउड है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।